बड़ी खबर यह है कि आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना। कोरोना के संक्रमण का खतरा उन पर है, अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया गया है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना कोरोना संक्रमित मरीज से मिले थे और इसीलिए उनको संक्रमण की आशंका है और इसी वजह से उनको 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में दून अस्पताल में रखा गया है। दून अस्पताल में ही कोरोना के एक पॉजिटिव मरीज का भी इलाज चल रहा है। तो आइसोलेशन में उनको रखा गया है, ये आपको बड़ी खबर बता दें। स्वास्थ्य विभाग उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। सूर्यकांत धस्माना जो कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अब आशंका है कि कहीं उनको कोरोना संक्रमण ना हो जाए। और इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं सूर्यकांत धस्माना, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर सूर्यकांत जी। सबसे पहले सर, आपकी तबीयत के बारे में अपडेट जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना को लेकर एक भय का माहौल है और ऐसे में आपको आइसोलेशन वार्ड में रखना। देखिए दो बातें हैं, पहले तो मैं घर में ही हूँ, कहीं आइसोलेशन वार्ड में नहीं हूँ। मुझे कल मैं पूरे शासन प्रशासन हॉस्पिटल दून हॉस्पिटल के जो पीआरओ हैं उनको सूचित करने के बाद दून हॉस्पिटल पहुंचा था इस जानकारी के लिए कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की क्या तैयारियां हैं। जी। पिछले वर्ष देहरादून और उत्तराखंड में फैले डेंगू का बहुत कड़वा अनुभव हमारे पास था। डॉक्टर अश्विनी डोभाल से लेकर के तमाम कई लोग देहरादून में मौत के ग्रास बन गए डेंगू से। क्या तैयारियां हैं उसके लिए मैंने उनको सीएमएस को फोन किया था, डिप्टी सीएमएस को फोन किया था। मैं गया वहां पर, वहां जाकर के पता लगा कोई अधिकारी मौजूद ही नहीं है, कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। केवल एक इमरजेंसी में डॉक्टर थे, उसके अलावा सीएमएस डिप्टी सीएमएस पीआरओ कोई अधिकारी वहां पर नहीं था। काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने वहां से गार्ड से पूछा तो उन्होंने कहा साहब अभी तो कोई अधिकारी है नहीं, मीटिंग में गए, आइसोलेशन वार्ड सामने है, आप जाके देख सकते हैं। आइसोलेशन वार्ड की तरफ मैं गया, वहां पे नर्सिंग जो स्टाफ था उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि दो संदिग्ध यहाँ पर भर्ती हैं और उन संदिग्धों का सैंपल लिया गया है। लगभग 1.5-2 मीटर की दूरी से मैं मास्क बाकायदा डबल मास्क पहना हुआ था, सैनिटाइज था। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ के हो, उन्होंने बताया कि हम एक कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा सैंपल लिया गया। इतनी बात मेरी हुई। उसके बाद मैं पहली मंजिल में जो आइसोलेशन वार्ड जहाँ पॉजिटिव मरीज भर्ती है उसकी तरफ गया, वहां पे मैं अंदर नहीं जा करके मैंने नर्सिंग स्टेशन पे ही नर्सेस से बात करी तो उन्होंने बताया कि मरीज स्टेबल है, उनका इलाज चल रहा है। तो उन्होंने कहा सर आप मिलना चाहेंगे, मैंने कहा नहीं मैं वहाँ उस वार्ड के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं वार्ड में नहीं गया और ना मैं मरीज से मिला। जब मैं अस्पताल में एंटर किया था मैंने दोनों टाइम अपना डबल मास्क पहना हुआ था। जब मैं अंदर वार्ड में नर्सिंग स्टेशन में गया उस समय भी मैंने अपने हाथ सैनिटाइज किए, सैनिटाइजर से बाहर निकलते हुए भी किए, किसी चीज को छुआ नहीं, किसी से हाथ मिलाया नहीं। केवल इतनी बात मेरी हुई कि क्या स्थिति है जी। इसके अलावा कोई भी वहां पर, लेकिन जो हॉस्पिटल में तैयारियां थी उसके बारे में जब आकर के मैंने मीडिया को ब्रीफ किया और मैंने सारे साथियों को बताया, मैंने कहा एक कोई अधिकारी वहां तैनात नहीं है, कोरोना का इतना बड़ा आतंक है और राज्य के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में कोई अधिकारी नहीं है जी, कोई डॉक्टर नहीं था वहां, केवल नर्सेस थी। तो सूर्यकांत धस्माना जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने प्रॉपर इंतजाम नहीं किए हैं इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए। मैंने इसके प्रूफ के साथ पूरे फोटोग्राफ्स वहां पर मैंने सबको मीडिया को भेजे, सारे जितने वहां पर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग थे उन्होंने सबने देखा कि वहां पर देयर वाज नो डॉक्टर, देयर वाज नो ऑफिसर। और जब ये नहीं था तो मैंने जब ब्रीफ किया उसके बाद पता नहीं क्या बात हुई, शाम को अचानक करीब 9 बजे मुझे डिप्टी सीएमओ का फिर सीएमओ साहब का फोन आया कि साहब आप वहां गए थे। उनको मैंने सारी स्थिति बताई, मैंने सोचा ये व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे होंगे तो कहने लगे साहब आपको वहां वार्ड में नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा मैं वार्ड के अंदर नहीं गया, मैं उनकी पूरी मैंने कहा अपने जो स्टाफ है उनसे बातचीत करके पता कर सकते हैं, मैं वार्ड के बाहर था, नर्सिंग स्टेशन में ही मेरी सारी बातचीत हुई और मैंने बाकायदा डबल मास्क पहना हुआ था, हाथ मैंने सैनिटाइज किए थे आते हुए जाते हुए दोनों टाइम, और अंदर पेशेंट के पास न मैं उसके कांटेक्ट में आया, न मैंने उससे बात करी, न मैंने उसको देखा जी। तो ये सारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा कंफ्यूजन है, आप 14 दिन तक अगर थोड़ा सा अपने को एहतियात के तौर पर रख सकते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, आप मूवमेंट ना करें लोगों के बीच में। मैंने कहा मुझे स्वीकार है,
भाई हमारे पे हमारे परिवार के अलावा पूरे शहर की और राज्य की जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है, उसी लिए मैं गया था। तो इसलिए मैंने वो स्वीकार कर लिया। जिलाधिकारी, उन्होंने कहा जिलाधिकारी ने मुझसे आपसे बात करने को कहा है, तो मैं आपको ये आग्रह कर रही हूँ। मैंने कहा आप आग्रह कर रही हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं अपने घर में रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये, सूर्यकांत धस्माना से ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि राज्य में कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से निपटने के लिए आप इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वहां पर एक अधिकारी, अगर कोई हमको वहां बताने वाला होता कि हमको वहां पर कहां तक जाना है, कहां तक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो हम कैसे जाते? हमको जरूरत से थोड़ी जाते हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पर इंतजाम नहीं थे और उस कंफ्यूजन की वजह से आप रेस्ट्रिक्टेड एरिया में भी चले गए। सूर्यकांत जी, एक चीज और आप क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी, कि आप घर पर हैं लेकिन आप निगरानी में हैं क्या डॉक्टर्स के? बिल्कुल, मुझे उन्होंने कहा है निगरानी में ऐसे हूँ कि उन्होंने मुझे कहा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की खांसी, जुकाम, फीवर या कोई सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप हमको सूचित करें, हम तुरंत आ जाएंगे। तो ये निगरानी हुई, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ईश्वर की कृपा है जी। और हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन मैं अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हूँ, मैं लोगों से मिल भी नहीं रहा हूँ, मैंने सबसे आगे भी कर दिया। सूर्यकांत जी, क्योंकि गंभीर बीमारी है, एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं, ऐसा नहीं है। खुद उन्होंने एबीपी गंगा पर कहा है कि वो घर पर ही है, कंफ्यूजन थी, वो इंतजाम देखने के लिए गए थे लेकिन वहां पर कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में गए लेकिन पूरा प्रिकॉशन लेकर गए थे। अभी वो घर पर ही हैं और निगरानी में वो ऐसे हैं कि अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई खांसी जुखाम होता है तो तुरंत डॉक्टर्स को उन्हें संपर्क करना है। हालांकि इस दौरान उन्होंने गंभीर जो आरोप हैं वो सरकार पर लगाए हैं। विनोद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जो एक कंफ्यूजन की स्थिति थी वो तो खुद सूर्यकांत धस्माना जी ने दूर कर दी है। उनका कहना है कि वो घर पर ही है, हालांकि 14 दिन तक वो किसी से मिलेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि वो बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार के इंतजामों पर। जी देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं और उनका आरोप लगाना भी लाजमी है। आखिरकार किस तरह की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य में महकमे की ओर से, और प्रदेश में पूरी तरह से प्राची अलर्ट है, शासन और सरकार की तरफ से तमाम जितने भी जनपद है, जितने भी चिकित्सालय हैं उन पर पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई है कि वो अलर्ट मोड पर रहें। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो खुद अलर्ट मोड पर है और सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कोई भी 50 से ज़्यादा अधिक लोग एक साथ नहीं होंगे। ये शासनादेश रात ही जारी हुआ है। और मैं आपको बताऊँ कि पूरे प्रदेश के जिम सेंटर, कोचिंग सेंटर और ऐसे स्थल पर जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। और मैं ये भी साफ करना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि आखिरकार कोरोना वायरस का कोई आदमी शिकार ना हो जाए। लिहाजा पूरी तरह से सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, अपील की गई है कि लोग सावधानी और एहतियातन तमाम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको बंद कर दिया गया है, जिम बंद कर दिए गए हैं। लेकिन जो सूर्यकांत धस्माना कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो जब अस्पताल में गए तो कोई इंतजाम उनको नजर नहीं आए, कोई अधिकारी उनको नहीं मिले और यही वजह रही कि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गए। और ऐसा उनके साथ हुआ है, ऐसा किसी आम इंसान के साथ भी हो सकता है। तो क्या वाकई में जमीन पर हालात ऐसे हैं, अस्पतालों में हालात ऐसे हैं? जी देखिए प्राची, पूर्व की अगर बात करें, जिस तरह से डेंगू का डंक भी पूरे उत्तराखंड में हुआ था तो उसके हालात, उस जायजा लेने वो सूर्यकांत धस्माना अस्पताल पहुंचे थे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में बैठकों का दौर है, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शासन के अफसर तमाम बैठकें कर रहे हैं, आखिरकार कोरोना वायरस से लोगों को कैसे सावधान किया जा सके, कैसे बचाव कर सके, तमाम ऐसी बैठकों का दौर है। तो कल भी एक ऐसी बैठक हो रही थी जहाँ पर वो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अफसर डीएम के आवास पर थे, बैठक चल रही थी आखिरकार लोगों को कैसे अपील की जाए और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। उसी दौरान सूर्यकांत धस्माना कांग्रेस नेता हैं, वो उस समय पहुंचे थे जब वहां डॉक्टर नहीं थे, तमाम स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर नहीं थे जिनकी निगरानी में ये तमाम इस कोरोना वायरस से बचने की ये कार्य चल रहा था। और ऐसे में वो आइसोलेशन वार्ड में पहुंच गए हैं, हालांकि अभी वो घर में स्वास्थ्य विभाग की टीम की निगरानी में है। लेकिन इतना जरूर है कि ये माना जाएगा कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं और पूरी तरह से स्वास्थ्य
विभाग हालांकि अलर्ट मोड में तो है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे गिने चुने केस जरूर आए हैं। अगर स्थिति कुछ और बनती है तो पूरी तरह से उसको भी लेकर सरकार अलर्ट मोड पे है, शासन अलर्ट मोड पे है, स्वास्थ्य बिल्कुल देखिए बीमारी गंभीर है और इसकी गंभीरता को देखते हुए तमाम जो सरकारें हैं तमाम राज्यों की वो अलर्ट पर हैं और ऐसा ही कुछ इंतजाम उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विनोद।